students, hope you all are fine at home. So this is second part from English grammar book. Second part of preposition. Okay, we just recall once again what is preposition. Words that tell us where the person, animal, place or thing is called preposition. It tells the position where the people, person or animal is. So we have already done, we have gone through so many examples: in, on, under, behind, in front of, and so many other. So in this video, we will be continuing same lesson, but exercise will be B and C. Okay? Here, what are the prepositions? We will know more. Okay? In is there, in, out of. Okay? And on, behind, in front of, I-N-F-R-O-N-T, in front of, over. These all are the new prepositions that you are going to do in this exercise. Okay? In means, I told you, keeping chalk inside the box or anything which be uske andar. रखने में नहीं होता है ना, आउट ऑफ, किसी चीज से बाहर निकालना, आउट ऑफ. ओके, और ऑन द सरफेस, किसी चीज सरफेस के ऊपर, ऑन बिहाइंड, किसी चीज के पीछे, जैसे मेरे पीछे क्या है, ब्लैक बोर्ड ना, इन फ्रंट ऑफ, मेरे ठीक आगे, इन फ्रंट, ओवर, किसी भी चीज के ऊपर होना, जो हमें उसका मूवमेंट रहता है, तो वी विल से ओवर. ऑन द टॉप, ओके, ऑन एंड ओवर से कंफ्यूज मत होना. ऑन मींस ठीक उसके ऊपर, ओवर मतलब उसके ऊपर है लेकिन वो मूवमेंट रहता है, देन वी विल यूज ओवर. ओके, सो दिस ऑल प्रिपोजिशन वी विल बी यूजिंग इन एक्सरसाइज बी एंड सी. ओके, सो लेट्स गो टू द एक्सरसाइज. ओके, हियर इज एक्सरसाइज बी व्हिच इज ऑन पेज नंबर 38. ओके, कमिंग टू द एक्सरसाइज, लेट अस सी द पिक्चर फर्स्ट. एक पिक्चर में क्या दिया गया है, रैबिट इज ऑन द टेबल, टेबल के ठीक ऊपर है, एंड एक स्लीव दरवाजा के ठीक पीछे है ना. थर्ड, यू कैन सी इट इज बास्केट में क्या किया है, अंदर गया है, एंड ही जस्ट केम आउट ऑफ इट. एंड इन द फिफ्थ पिक्चर यू कैन सी वो कहाँ, चेयर के ऊपर बैठा है ना. तो लेट अस रीड दिस क्लू ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. ओके, राइट अबाउट मिस्टर रैबिट, आपको मिस्टर रैबिट के बारे में लिखना है. Choose preposition from the box. Clear? Okay, let us start one with question one. Mr. Rabbit is on the basket. You can on the table. You can see na, where is he? Rabbit table ke upar mein baitha hai na. Number two dekhiye. He is, that's the door. Door ke kahan hai wo? Huh? Yes, पीछे है, then what we will write? What we will be writing? Behind. B E H I N D. Behind. Got it? Number three. He is hiding, that's the basket. तो कौन सा होगा option? Number three में? Okay, in. I N in. Number three. He jumped, that's the basket. What will be the option? कहाँ है, number four में देखिए the picture. वो just बाहर निकल गए हैं ना. तो what will be the option? Out of, O-U-T, out, O-F, off. Okay? Number five. He is now sitting, that's the chair. Number fifth picture में देखिए वो क्या किए हैं, चेयर के ऊपर बैठ गए. तो वी विल राइट ओ एंड ऑन. सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बी. ओके, कमिंग डाउन टू सी, देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक. यू कैन सी द पिक्चर, पहले आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्या क्या है. यू कैन सी वन ट्री इज देयर, उसके इतना बगल में एलिफेंट इज देयर, वन रैबिट इज देयर, वन स्नेक इज देयर, डक एंड डकलिंग्स आर देयर, बर्ड एंड सो मेनी अदर ना. सो लेट अस सॉल्व दिस. यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस टॉप. सो लेट अस सॉल्व नंबर वन. नंबर वन इज सॉल्व,
The elephant is behind the tree. Elephant कहाँ है? Tree के ठीक behind में है कि नहीं? Yes. Let us do next. The duck is dash ducklings. Can you see the duck? Yes. Ducklings जो इनके बच्चे हैं, ठीक है? उनके बच्चे के वो कहाँ है? आगे है ना? So what we will write? मैंने आपको क्या सिखाया था? In front of, I-N in, F-R-O-N-T in front of. ओके, ये वाला ऑप्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ऊपर का दिस वाला. हाँ, नंबर 3, ए पैराकिट इज सिटिंग ऑन ए ब्रांच. कैन यू सी पैराकिट हियर? यस, देखो यहाँ ठीक बैठा है ना. तो व्हाट यू विल राइट हियर? ओ एंड ऑन. नंबर 4, वन बर्ड इज फ्लाइंग डैश द रिवर. देखिए रिवर के ठीक ऊपर वो उड़ रहा है. इट इज ऑन द मोशन ना. सो विल राइट हियर ओवर, यहाँ ऑन नहीं होगा. ओके. नंबर 5, देयर इज अ नेस्ट डैश द ट्री. कैन यू सी नेस्ट? या इट इज इनसाइड द ट्री ना. तो हम लोग क्या लिखेंगे? आई एम इन. लास्ट 1, देयर इज अ स्नेक डैश द 2 रॉक्स. कैन यू सी स्नेक बिटवीन द 2 रॉक्स? 2 रॉक्स के बीच में है ना. तो बीच में क्या हम लोग यूज करेंगे? बिटवीन. के विल राइट हियर BETWEEN, बिटवीन. सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है. ओके, सो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू हैव लर्न हाउ टू यूज प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस. है ना, कैसे हम लोग पिक्चर को देके आप प्रीपोजिशन लगा सकते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आई विल सेंड यू मोर प्रीपोजिशंस का और भी एनिमेटेड